बहुत जरूरी है कि मुंबई कर होने के नाते मैं भी हमारी भारतीय सेना का धन्यवाद करूं। मुंबई में जल्द से जल्द ब्रिजेस बने, जल्द से जल्द सुविधाएं सुधरें, उसके लिए भारतीय रेल संकल्पित है। आर्मी को लाने का उद्देश्य ये था कि एक नए तरीके से कैसे तेज गति से विकास हो सकता है, उसका भी हम अनुभव लें, उससे आगे के लिए हमें सीखने को भी मिले। और मुझे आपको बताते हुए समाधान होता है कि अक्टूबर के बाद मुंबई में आर्मी को लाने से 3 फुट ओवरब्रिज अम्बिवली, करी रोड और एल्फिंस्टन ये आर्मी ने बनाए 3 महीने के भीतर। साथ ही साथ भारतीय रेल के अलग अलग विंग्स ने तेज गति देके 17 और फुट ओवरब्रिज अक्टूबर से अभी तक बनाए हैं। तो यानी कुल अक्टूबर से फरवरी तक 3 आर्मी के 17 रेलवे के 20 फुट ओवरब्रिज बने हैं और इसके अलावा 22 और फुट ओवरब्रिज का काम तेज गति से चल रहा है, जो जून 2018 तक 22 और फुट ओवरब्रिज बन जाएंगे। तो 42 ओवरब्रिजेस भारतीय रेल के सबर्बन नेटवर्क अकेले में बन जाएंगे। इसके अलावा 56 और फुट ओवरब्रिजेस की स्वीकृति हमने दी है, जो अगले 12 महीने के भीतर ही टेंडरिंग से लेके बनने तक पूरी प्रक्रिया 56 और ब्रिजेस की पूरी करके 100 से अधिक ब्रिज भारतीय रेल के द्वारा मुंबई सबर्बन नेटवर्क अकेले में फुट ओवर ब्रिज ऐड होंगे। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, 51,000 करोड़ की पूरी होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव सभी विषयों को समावेश करके एक पूरी इंटीग्रेटेड प्लान मुंबई सबर्बन को बनाने की गई है। किस प्रकार से एयर कंडीशन कोचेस भी बढ़ें जिसमें लोगों को अलग अलग सुविधाएं मिले, आगे आके सेकेंड क्लास एयर कंडीशन कोच भी इंट्रोड्यूस होने वाला है, उसका भी ऑर्डर हमने देना, उसकी प्रक्रिया शुरू की है। एलिवेटेड लाइंस के माध्यम से जहाँ जहाँ ज़मीन की तकलीफ है वहाँ हम एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाएंगे, नए सिग्नलिंग सिस्टम लगेंगे, साथ ही साथ गोरेगांव तक लेके जाने वाली हार्बर लाइन को योजना भी उसके थोड़े बहुत CRS की अप्रूवल के बाद वो लाइन भी शुरू हो जाएगी। हार्बर लाइन पे नई सिग्नलिंग सिस्टम का काम, 5th और 6th लाइन बोरिवली के आगे बनना, अन्य अन्य कार्यक्रमों से महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेल दोनों मिलके जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है एक नए भारत का, वैसे ही नए भारत, नए महाराष्ट्र और नए भारतीय रेल, इन तीनों को जोड़ते हुए अब मुंबई की आगे आने वाले दिनों में ये जब पूरी कल्पना को कार्यान्वित किया जाएगा तो मुंबई का सफर सुरक्षित भी होगा और बहुत सुविधाजनक भी होगा।